नमस्कार किसान भाइयों, राम राम दोस्तों। जो आज का हमारा वीडियो है भाइयों, पंप संबंधित वीडियो है दोस्तों। जिन भाइयों का ट्रैक्टर आवाज़ बदल जाता है लोड पे जाने पे, या दोस्तों 3 या 4 सिलेंडर ट्रैक्टर है, 2 सिलेंडर जैसी आवाज़ करने लगता है, लोड प्रॉपर नहीं खींचता, फुल लोड पे ट्रैक्टर जो है बहुत ही ज़्यादा जो है आवाज़ में गड़बड़ आती है, तो भाइयों बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, वो मैं आज आपको बताने की कोशिश करूँगा। लेकिन होता क्या है कि दोस्तों किसान भाई को लगता है कि भाई बहुत बड़ी ख़राबी आ चुकी है ट्रैक्टर के पंप में, तो भाई किसान भाई क्या करता है कि मिस्त्री की तरफ दौड़ता है। दोस्तों जो अच्छे बढ़िया मिस्त्री हैं वो पंप को इस समस्या को बहुत जल्दी सुलझा देते हैं। लेकिन दोस्तों सभी मिस्त्रियों भाइयों के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन दोस्तों जो मिस्त्री अच्छे नहीं होते तो वो क्या करते हैं भाई, पता होता है उन्हें कमी का, लेकिन पंप को ट्रैक्टर से बहुत जल्दी उतारने की कोशिश करते हैं। तो भाई क्या होते हैं वो छोटे छोटे नुक्स की, अब आप अपने ट्रैक्टर को जो है, पहले अगर आपके ट्रैक्टर में ये समस्या है तो दोस्तों ये 2-3 चीज़ ज़रूर करके देखें, उसके बाद जो है अगर नहीं समस्या ठीक होती फिर दोस्तों कैलिब्रेशन वगैरह करवाने का फ़ायदा है। लेकिन भाई 80% मैं आपको बता दूँ कि पंप के अंदर फॉल्ट नहीं होता, तो बाहर से ही दिक्कत ख़त्म हो जाती है। दोस्तों अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भाई जिन किसान भाइयों के ट्रैक्टर जो है आवाज़ बदलते हैं लोड पर और पूरा लोड नहीं उठाते भाइयों, ये वाला वोल्ट है, इसको वापसी वाल बोलते हैं और ये इस तरह की होती है। तो भाई होता क्या है, ये चीज़ किस चीज़ के लिए है कि जैसे कि पंप में डीजल आता है, आने के बाद भाइयों जो यहाँ पे प्लंजरों पे डीजल आ गया तो जो ज़्यादा बचता है दोस्तों, डीजल जो बच जाता है तो उसमें ये पंप से लेके डीजल वापसी भेज देता है दोस्तों टंकी में, ये देखिए। तो भाई ये इस चीज़ को जो है, जो पुराने ट्रैक्टर थे उनको ये वाल नहीं आता था, पुराने ट्रैक्टरों में यहाँ पे एक नट लगा होता था, जब भी हमारा ट्रैक्टर कहीं हवा ले जाता था तो हमें उसे पेचकस से खोल के दोस्तों ये वाला पंप चलाना पड़ता, तब हमारा ट्रैक्टर दोबारा स्टार्ट होता था हवा निकालने के। लेकिन दोस्तों ये थोड़ा कोई सी अगर तकनीक का फ़ायदा है तो दोस्तों उसका नुकसान भी है। तो भाई इसका नाम वापसी वाल है, अगर ये वाल ख़राब हो जाती है, मात्र दोस्तों 120-130 रुपये की ओरिजिनल माइको की वाल है, अगर ये वाली वाल भाई वो ख़राब हो जाती है तो होता क्या है कि ट्रैक्टर जो है बिल्कुल नॉर्मल लोड पे बिल्कुल सही चलता है, लेकिन जैसे ही हम ट्रैक्टर को ओवरलोड करते हैं या अच्छे तरीके से लोड देते हैं तो ट्रैक्टर जो है 2 सिलेंडर जैसी आवाज़ करने लगता है और खिंचाई भी बहुत ख़राब हो जाती है। तो भाई होता क्या है कि इसके अंदर ये किस तरह की गोली होती है और ये स्प्रिंग लगा होता है, तो यहाँ से ये वापसी वाल जो है भाई वो लीक हो जाती है, प्रॉपर प्रेशर जो है नहीं बन पाता, प्लंजर जो है जब तक दोस्तों ठीक डीजल जितनी क्षमता होती है, कम डीजल खपत होती है तब तक ट्रैक्टर सही चलता है, लेकिन जैसे ट्रैक्टर को ज़्यादा डीजल की ज़रूरत पड़ती है तो भाई ये जो वापसी वाल है अगर ख़राब हो तो ज़्यादा डीजल ये टंकी में पहुँचाना शुरू कर देती है, जिसके कारण कि ट्रैक्टर की आवाज़ में काफ़ी ज़्यादा फड़फड़ाहट सी आ जाती है, ट्रैक्टर अच्छे से खिंचाई नहीं करता दोस्तों। अगर 3 सिलेंडर ट्रैक्टर हो, 4 सिलेंडर ट्रैक्टर हो तो 2 सिलेंडर जैसी आवाज़ करने लगती। अब भाइयों इसको देखने का क्या तरीका है कि यही ख़राब है या सही है, तो भाइयों ये वाला जो पंप होता है, तो भाइयों इसको सही और ख़राब देखने का तरीका है दोस्तों, अब जैसे ही हम 5-6 बार पंप को मारेंगे तो ये पंप पूरा जो है नीचे दबाने के लिए कैड़ा हो जाएगा, आसानी से नहीं दबेगा। लेकिन दोस्तों अगर ये वाल ख़राब है, कटी हुई है, तो ये पंप जो है ढीले का ढीला ही रहेगा, बहुत ज़्यादा ज़ोर से नहीं नीचे जाएगा, बहुत आराम से नीचे चला जाएगा, तो इसका बिल्कुल सही है जी। और ये वापसी वाल कुछ ऐसी होती है दोस्तों, 120 रुपये की होती है माइको की ओरिजिनल, दोस्तों देसी ये वाल कभी भी ना लगाएं क्योंकि बहुत जल्दी कट जाती है और हो सकता है देसी नई वाल भी अच्छे तरीके से काम ना करे। ये भाइयों मैं आपको फोकस करके दिखा दूँ एक बार, ये माइको की निशानी होती है इसके ऊपर। तो भैया इसको चेक करने का तो ये तरीका है कि इस वाले पंप को दबा के देखें, अगर पंप थोड़ा मुश्किल से दब रहा है, पूरा प्रेशर बन रहा है तो ये वाल ख़राब नहीं है। और भैया जो पुराने ट्रैक्टर हैं उनमें ये वाल नहीं होती थी, उनमें ये समस्या जल्दी नहीं आती क्योंकि उनमें यहाँ पे एक नट लगा होता था, जब भी किसान भाई को अगर कभी डीजल ख़त्म हो गया जब तो यहाँ से जो है वोल्ट को खोल के हवा निकाल लेते थे, लेकिन ये इसलिए वाल लगाई गई थी भैया जिससे कि नट ना खोलना पड़े, अगर कभी जो है ट्रैक्टर हवा ले जाए तो आसानी से पंप मार के यहाँ से और हवा निकल जाए। तो भाइयों ये मात्र 120 रुपये की ये चीज़ है, लेकिन जो है इसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो भाइयों किसान भाई को लगता है कि पता नहीं ट्रैक्टर को क्या हो गया, और भाइयों किसान भाई मिस्त्री का रुख करता है, भाई सभी मिस्त्रियों के लिए नहीं बोल रहा हूँ, जो अच्छे मिस्त्री हैं वो मेरी बात को प्रॉपर समझेंगे, लेकिन जो घटिया लोग हैं दोस्तों वो पंप को बहुत जल्दी उतारने की कोशिश करते हैं और बिल्कुल सही होता है पंप, उस पर जो है कैलिब्रेशन वगैरह करके
या पंप में थोड़ा बहुत सामान डाल के दोस्तों पैसे तार लिए जाते हैं किसान से, और वापसी वाल भी वो बदल देते हैं भाइयों। दूसरा जो कारण होता है वो कारण होता है जी कि ट्रैक्टर जब पूरे नॉर्मली सही चलता है, लेकिन जैसे ही हम ट्रैक्टर को लोड देते हैं तो ट्रैक्टर जो है वही दिक्कत करने की शुरू कर देता है, जैसे कि थोड़ी थोड़ी ट्रैक्टर हवा लेता है। वो होता है भाइयों ये वाला जो पाइप है, मेन पाइप। तो दोस्तों सबसे पहले अगर ये दिक्कत आ रही है, ये पाइप वगैरह चेक कर ले कि कहीं से हल्का मुल्का लीक तो नहीं। दोस्तों जब वाइब्रेशन से पाइप लीक होता है तो वो लीकेज इतनी होती है, मतलब पाइप घस के बहुत ही बाल समान। दोस्तों उसमें क्या होता है कि डीजल निकलता तो है पर हमें नज़र नहीं आता। जैसे ही ट्रैक्टर ओवरलोड होता है तो जब पूरा तेल प्रेशर से जाता है तो उसके साथ हवा एयर भी चली जाती है, तब भी दोस्तों ये दिक्कत बन जाती है कि ट्रैक्टर भाई लोड पे जाके पूरा लोड नहीं उठा रहा और दो सिलेंडर जैसी आवाज़ करता है। तो भाइयों पहले जो है अगर ऐसी कोई दिक्कत आपको आ रही है ट्रैक्टर में, तो सबसे पहले भाइयों ये पंप मार के देखना है ट्रैक्टर को। अगर पंप बहुत ज़्यादा ढीला चल रहा है कई बार चलाने के बाद भी, तो दोस्तों 100% ये वाल ख़राब है। और दूसरी बात है दोस्तों सप्लाई अच्छे से चेक करनी है, कहीं से लीक तो नहीं है और फिल्टर वगैरह चोक तो नहीं है। दोस्तों जिन ट्रैक्टरों में ये वाले फिल्टर है हर सर्विस पर फिल्टर बदलें, लालच बिल्कुल ना करें भाइयों, क्योंकि फिल्टर ही ये ट्रैक्टर का दिल है और दिल की जान दोस्तों फिल्टर है। तो भाइयों मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि भाइयों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। दोस्तों ये छोटी मोटी परेशानी होती है कि पंप में, तो इनकी वजह से भी किसान भाई को ऐसा लगता है कि भाई बहुत बड़ी दिक्कत आ गई है। तो दोस्तों अगर कोई ऐसी परेशानी आ रही है, ऐसा नहीं, ज़रूरी नहीं है कि ट्रैक्टर का पंप ख़राब ना ही हो, लेकिन भाइयों पहले ये चीज़ें करके जो है खुद देख लेनी चाहिए। कोई इतनी खास बड़ी बात नहीं है ये मेरे हिसाब से। तां वीरो जिहड़े अपने पंजाबी वाले वीर ने, ये ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आउंदी वीरो इहदी जिहड़ी लाइफ है। दोस्तों कुछ भाई जो है क्वेश्चन करेंगे कि कितने घंटे बाद बदलना चाहिए, दोस्तों इसका कोई एक्यूरेसी नहीं है। ये ख़राब होने को भाइयों 1000 घंटे में ख़राब हो जाए, और ख़राब ना हो तो 4000 घंटे भी ख़राब ना हो, इसकी कोई लाइफ नहीं है। बस इसका चेक करने का जो तरीका है, इस पंप को नीचे दबा के अगर पंप पूरा जो है प्रेशर बना रहा है तो दोस्तों ये सही है, अगर पंप बिल्कुल ढीला चल रहा है तो ये चीज़ जो है ख़राब है बाल। तो दोस्तों पंप के बारे में जो छोटी छोटी बातें होती हैं जो कि ध्यान रखने लायक, दोस्तों आगे और भी वीडियो बनाएंगे कुछ छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर। तो भाइयों आने वाले समय में कुछ और दोस्तों ऐसी छोटी छोटी चीज़ें बताऊंगा जिससे कि किसान भाइयों को लगता है। दोस्तों जो इंजन के बाबत भी कुछ वीडियो बनाएंगे कि समस्या बहुत छोटी होती है, लेकिन जो है उस किसान भाई को लगता है कि भाई बहुत बड़ी समस्या हो गई है ट्रैक्टर में। तो दोस्तों जितनी भी जो छोटी छोटी बातें हैं इसके ऊपर पूरी वीडियो बनाएंगे। और दोस्तों अगर आपको ट्रैक्टर के किसी जो है पार्ट के ऊपर वीडियो स्पेशल देखना है, वैसे तो अपने चैनल पे लगभग मैं दोस्तों क्लियर करता जा रहा हूँ, सभी वीडियो मौजूद हैं, लेकिन भाई अगर स्पेशल किसी चीज़ पे वीडियो देखना है तो आप लोग वो भी कमेंट में बता देना। दोस्तों कूलिंग सिस्टम के ऊपर पूरी वीडियो मौजूद है, और भाइयों ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। धन्यवाद जी।